हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ ने अदलिया के बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी तबले जंग बचा दिया। कहा, आसिफ सरदारी किसी को खुश करने के लिए उन्हें गालियां दे रहे हैं। माजी में एनआरओ भी परवेज मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ था। तमाम पार्टियों को एक उसूल पर इकट्ठा होना चाहिए। अदलिया के खिलाफ भी साबिक वजीर आजम के लहजे की तलखी कम नहीं हुई। कहते हैं, समझ में नहीं आता कि किस चीज की पेशियां भुगत रहे हैं। आमिरों को हार पहनाने वाले नहीं, खुद मुख्तार अदलिया के हामी हैं। हमारे टकराव की बातें करने वाले उनकी बातें नहीं कर रहे जो हमसे टकरा रहे हैं। नवाज शरीफ याद करें, जब जरदारी के साथ मुलाकात से इनकार किया था, उन्होंने किस को खुश करने के लिए ऐसा किया था? खुर्शीद शाह का जवाबी वार। फरतुल्ला बाबर ने बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। एतजाज अहसन बोले, हालात के साथ ही नियाज साहब का लहजा बदल जाता है। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशियों की हैट्रिक, दो रेफरेंसेस में जमानती मचलके जमा करा दिए। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रेफरेंसेस यकजा करने के फैसले तक कार्रवाई रोकने की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। उज़्मा गई, ओहदा गया, इख्तदार भी गया, लेकिन शहाना अंदाज ना बदला। नबी मरियम और कैप्टन सफदर के हमरा जाहो जलाल और क्रोफर के साथ 26 गाड़ियों के काफले में पंजाब हाउस में लीगी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद नवाज शरीफ जाती उमरा चले गए। कौम के मुजरिम को शानदार प्रोटोकॉल दिया गया। मरियम को लेने के लिए गाड़ियां जहाजों तक गईं। कप्तान के शरीफ खानदान पर ताक ताक करवार। एक मुजरिम जो मुल्क का 300 अरब रुपया मुल्क से बाहर लेके जाए, उसको वजीर लेके जा रहे हैं। बेटी वो जहाज में है, जहाज पे उतरती है, गाड़ियां जहाज पे लेने जा रही है। इमरान खान ने इसहाक डार को मुंशी करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ को भी निशाने पर रखा। वो जो इसहाक डार है, जो इनका मुंशी था, कि ये सबसे बड़ा मनी लॉन्डरर है, कि मियां साहब फिक्र ना करो, लोग भूल जाएंगे। ख्वाजा आसिफ, ये तुम्हारे बाप का पैसा चोरी हुआ था जो लोग भूल जाएंगे। नवाज शरीफ असासा हैं, उन्हें इससे भी ज्यादा सिक्योरिटी देनी चाहिए। मरियम औरंगजेब का कप्तान को जवाब। वो सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत है वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का सरमाया है, इससे ज्यादा सिक्योरिटी। साद रफीक बोले, नवाज शरीफ के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। जो भी आईन की बालादस्ती की बात करेगा उसका यही हाल होगा। इस मुल्क में कौम और मुल्क के मुसलों के साथ ये सलूक रहा है। नवाज शरीफ साहब के साथ ये सलूक पहली बार नहीं किया जा रहा। यहाँ जो भी आईन की बालादस्ती की बात करेगा, अवाम की उकमरानी की बात करेगा, मुल्क को आगे लेके जाएगा, उसे उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। 2018 के इंतखाबात में शेर भाड़ेगा। इंतखाबात में शेर पैनामा जीआईटी के वॉल्यूम 10 भी भाड़ेगा। दामाद कैप्टन सफदर भी सुसर के नक्शे कदम पर। लेकिन ये क्या वक्त लेने के आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि 2018 इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला शेर दाड़ेगा भी और वाजिद ज़िया के 10 वॉल्यूम को फाड़ेगा भी। वजीर दाखला एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान के जलसे तीसरे धर की मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत ढकी छुपी नहीं।
पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ अलग अलग रवैया है। शर्जील मेमन फिर नैब पर बरस पड़े। लतीफ खोसा ने निगरा हुकूमत के कयाम की पेशगोई कर दी। अलबत्त अगर खाकान अब्बासी साहब असेंबली डिसॉल्व कर दें, इसका इम्कान है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ को सजा हो जाती है। कराची को दीवार से लगाना पाकिस्तान को दीवार से लगाने के मुतरादिफ होगा। 5 नवंबर को ट्रेलर दिखाएंगे, फिल्म बाद में चलेगी। इंतखाबात 2018 के बाद हमारी फिल्म प्लैटिनम जुबली बनाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बेनजीर कत्ल केस में मफरूर करार दिए जाने पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जायदाद खुरकी का अमल शुरू। FIA ने साबिक सदर की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। अदालती हुक्म पर मुतालिका हुक्काम और इदारों को खतूत लिख दिए। पंजाब भर में बिजली की फराहमी में तातुल। वजारत तवानाई के मुताबिक स्मोक के बाइस 11 बड़े ग्रिड स्टेशन बंद करना पड़े। चश्मा के चारों न्यूक्लियर प्लांट्स भी बंद। डैमों से बिजली की पैदावार 2700 मेगावाट रह गई। वजारत तवानाई का तमाम प्लांट्स 72 घंटों में बहाल करने का दावा। भारत की माहौल मुखालिफ कार्रवाइयों ने पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। सूबे भर में स्मॉग का डेरा, मामूलात जिंदगी मुतासिर, ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार। सुबह के औकात में हद निगाह सिफर रही। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जा बहक, 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। आलूदगी के शिकार कराची पर एक और जुल्म। तरक्याती कामों के नाम पर दरख्तों की बेदरेत कटाई। KMC ने न्यू MA जिन्हा रोड पर दर्जनों दरख्त काट दिए। बाजोड़ एजेंसी में मट्टी का तोहदा कयामत बनकर घर पर टूट पड़ा। 7 अफराद लुकमय अजल बन गए। 2 जख्मी मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। अहले खाना गम से निडाल। बरतानिया में पाकिस्तान मुखालिफ इश्तिहार का मामला, पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। बरतानवी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी, एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी थॉमस रेव की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उम्र पर तबादला ख्याल। सऊदी सिफारत खाने ने बायोमेट्रिक की शर्त 1 दिसंबर तक मुअत्तल कर दी। बिना बायोमेट्रिक उम्रा वीजा का इजरा पीर से किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम की गई 10 कंपनियां बंद करने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाली 56 कंपनीज में 80 अरब रुपए से जायद की करप्शन का केस चल रहा है। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के स्काउट्स की 61वीं पासिंग आउट परेड, जवानों ने बेहतरीन नज्मों जब्त का मुजाहिरा किया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी के नफाज को 10 बरस गुजर गए। अदलिया को निशाना बनाने के इस इकदाम के नतीजे में परवेज मुशर्रफ का इकतदार जवाल का शिकार हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ। और सबसे पहले आपको बताएंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल कहते हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ MQM के ग्रुप्स को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि 2018 के इंतखाबात से पहले मुशर्रफ MQM को लीड करें। उन्होंने कहा कि इस पार्टी का नाम पाकिस्तान कौमी मूवमेंट हो जाएगा। ये तमाम दावा नबील गबोल ने आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में किया।
हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गुबोल की, जिनका कहना यह है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ एमकेएम के ग्रुपों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि ऐसा हो सकता है कि 2018 के इंतखाबात से पहले मुशर्रफ एमकेएम को लीड कर रहे हों और इस पार्टी का नाम पाकिस्तान कौमी मूवमेंट रखा जा सकता है। एक बार फिर से आपको बताएंगे कि दावा नबील गुबोल ने आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए किया। परवेज मुशर्रफ जो है ये कोशिश कर रहा है कि इनको आपस में मिलाने की, और हो सकता है कि वो कोई उनका एक ये डिमांड है कि एमक्यूएम का नाम तब्दील किया जाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जगह और इसको पाकिस्तान कौमी मूवमेंट का नाम दिया जाए, तो वो सरपरस्ती करेंगे और शायद हो सकता है कि इलेक्शन से पहले कोई ऐसा सूरत हाल पैदा हो कि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये आपस में एक हो जाए अंडर द लीडरशिप ऑफ परवेज मुशर्रफ। और अब खबर शामिल करेंगे शहर इख्तदार से। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। उनका कहना है कि आसिफ जरदारी किसी को खुश करने के लिए मुझे गालियां दे रहे हैं। उन्होंने एनआरओ की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि माजी में एनआरओ परवेज मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ था। उन्होंने खानदान में इख्तलाफ की खबरों की भी तरदीद की और कहा कि लोगों की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होंगी। मैंने इतनी दफा वफा की है, इसने उतनी दफा मेरे पीठ में सुरख हो पाया। टकराव हो, ऐसे सूरत में टकराव हो कि इकॉनमी जो है बिल्कुल खत्म हो। नवाज शरीफ ने अदलिया के बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी तबले जंग बजा दिया। एहतसाब अदालत के अंदर ही साबिक सदर आसिफ जरदारी पर बरस पड़े। वो ये चाहता है कि किसी तरीके से जॉस हो जाए, किसी तरीके से मैं ये सारा ब्लेम जो है वो फौज पे और मैं कोर्टों पे डाल दूं। नवाज शरीफ बोले कि आसिफ जरदारी किसी को खुश करने के लिए मुझे गालियां दे रहे हैं। माजी में एनआरओ भी परवेज मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ था। ऐसी अदलिया की हिमायत नहीं करते जिसने आमरों को हार पहनाए हो। हम आजाद और खुद मुख्तार अदलिया के हामी हैं। अदालती निजाम की तौहीन सिर्फ बाहर से नहीं की जाती, ये अंदर से भी होती है। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की अदालतों में सैकड़ों केसेस जेर इल्तवा हैं, लेकिन ये सलूक किसी मुकदमे में नहीं। जज की निगरानी का मामला भी कुछ नया ही है। नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, इंशाल्लाह कभी न कभी हम उनको कायल कर लेंगे इंशाल्लाह। तलाक राय जो है वो हमेशा से होता आया है और शायद हो रहा है और होगा भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई किसी के खिलाफ है या कोई खुदा न खास्ता कोई दरार का अंदेशा है। साबिक वजीर आजम ने खानदान में इख्तलाफ की खबरों की भी तरदीद की और कहा कि लोगों की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होंगी। साथ ही साथ उन्होंने नैब रेफरेंस की समात आइंदा आम इंतखाबात से पहले खत्म होने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चंद रोज कबल आज न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा था कि नवाज शरीफ रंगे हाथों पकड़े गए हैं और अब उनके बचने के लिए मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। वो सारा मलबा फौज और अदलिया पर डालना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने यह शिकवा भी किया था कि नवाज शरीफ ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। रंगे हाथों पकड़े जाने वाला आदमी क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि किसी तरीके से जॉस हो जाए, किसी तरीके से मैं ये सारा ब्लेम जो है वो फौज पे और मैं कोर्टों पे डाल दूं कि अगर मैं होता तो ये कुछ नहीं होता, ये मुझे निकालने की वजह से सारा कुछ। 10 मैसेजेस आए हैं, हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ और शहीद बेनजीर भुट्टो ने तवील जिलावतनी के दौर में आज से 11.5 बरस पहले मीसाख़े जम्हूरियत तय किया था, जिसका मकसद सिविल बालादस्ती और जम्हूरी तसलसल को यकीनी बनाने का तहरीरी अहद था। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मुहिदे के खिलाफ वर्जी और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती नजर आती हैं। पाकिस्तान की सियासत रस्साकशी और इंतकामी सियासत से भरी पड़ी है। बदतरीन हालात ने नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो को जिलावत, माजी से सबक सीखने का दावा और फिर मिसाक जमहूरियत पर अप्रैल 2006 में दस्तखत हुए। फौज को इख्तदार में आने से रोकने को जमहूरी जिम्मेदारी करार दिया गया। एहतसाब करने वालों को भी काबिल एहतसाब बनाने समेत बहुत से नुकात तय पाए।
लेकिन इख्तदार मिलते ही पीपल्स पार्टी ने रंग बदला, मिसा के जमहूरियत रद्दी की टोकरी में चला गया। मुस्लिम लीग नून ने इख्तदार संभाला और सियासी रस्साकशी व बयानबाजी जारी रही। और अब मुल्क में कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात कर रहा है तो कोई एहतसाब को ही गलत कह रहा है। रुख करेंगे कसाब अदालत का, जहां साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड पेश हुए। अदालत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट रेफरेंसेज यकजा करने के फैसले तक कार्रवाई के इल्तवा की इस्तदा मंजूर की और समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेज की समाअत हुई और नवाज शरीफ पहली बार अपनी साहबजादी मरियम नवाज के हमरा अदालत में पेश हुए। कैप्टन सफदर रिटायर्ड ने उनके साथ अदालत में हाजिरी दी। नवाज शरीफ ने काबिले जमानत वारंट के जवाब में अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस पर जमानती मचलके जमा कराए। एवन फील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस में पहले ही मचलके दाखिल हैं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब के 3 रेफरेंसेज यकजा करके एक फर्ज जुर्म की दरखास्त पर फैसला सुनाया और केस ट्रायल कोर्ट को भेजा है, तहम फैसले की कॉपी नहीं मिली। हुक्मनामे और तफसीली फैसले की कॉपी के हुसूल तक समाअत मंगल तक मुलतवी की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराज किया और कहा कि दरखास्तें पुरानी ही हैं। हाईकोर्ट ने दोबारा सुनकर फैसला देने का हुक्म दिया है। जज मोहम्मद बशीर ने वकील ख्वाजा हारिस की सदा मंजूर करते हुए समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने तलब किए गए 2 गवाहों के समन भी मुअत्तल कर दिए। उधर आज न्यूज से गुफ्तगु करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी फरतुल्ला बाबर ने नवाज शरीफ से पूछा कि वो बताएं आसिफ जरदारी किसे खुश कर रहे हैं। एतजाज अहसन ने कहा कि मियां साहब गिरने लगते हैं तो लहजा नरम हो जाता है, हालात बेहतर होते ही मियां साहब का लहजा बदल जाता है। जब मियां साहब एक्चुअली लड़खड़ा रहे होते हैं या गिरे हुए होते हैं या गिरने का उनको खदशा होता है तो फिर वो बहुत झुक जाते हैं और नरम लहजा हो जाता है। नवाज शरीफ साहब इसको डायरी कैसे समझते हैं कि ये अगर जरदारी साहब ने कहा है कि मैं बात नहीं करूंगा तो ये गालियां तो नहीं है, ये तो जो हकायक सामने है उनको सामने रखकर ही जरदारी साहब ने बात की। अब अगर इन हालात में तो हकीकत यह है कि कोई अमकान नहीं है और ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये पार्टी की लीडरशिप बार बार कह चुकी है कि इन हालात में नहीं है, क्योंकि इन हालात में अगर वो बात करेंगे तो ये तासर जाएगा कि शायद जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फर्द वाहिद को बचाने के लिए उनके साथ की मुफाहमत कर रहे हैं, उनको बचाएंगे। तो इन हालात में तो मैं नहीं समझता कि कोई मुलाकात या कोई बातचीत का कोई अमकान है। लेकिन परसों जो इजलास था या जो 17 इजलास था उसमें यकदम तमाम सियासी जमातों ने जो है तो इस अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी से इनहराफ किया और हमारी पीपल्स पार्टी ने भी, मैं उस वक्त उस इजलास में नहीं था, पीपल्स पार्टी ने भी जो लॉ। उधर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुस्लिम लीग नून पर एक बार फिर बरस पड़े। कोर्ट अद्दू में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कौम के मजरी को शानदार प्रोटोकॉल दिया गया, बेटी को लेने के लिए गाड़ियां जहाजों तक गईं। नैब के बुलाने पर नवाज शरीफ के बच्चे कहते हैं कि हम बरतानिया के शहरी हैं। पहले ये तो बताओ कि इतना पैसा आखिर आया कहां से। नवाज शरीफ जिस तरह अदालत में नैब के आता है, कभी आपने देखा कि एक मुजरिम जो मुल्क का 300 अरब रुपया मुल्क से बाहर लेके जाए उसको वजीर लेके जा रहे हैं, 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल मिल रहा है। बेटी वो जहाज में जहाज पे उतरती है, गाड़ियां जहाज पे लेने जा रही हैं। वो तो बेटों को कहा जी कि नैब के सामने आओ, कहते हम तो बरतानिया के शहरी हैं। तो बरतानिया के शहरी हो तो बताओ पैसा किधर से आया, पैसा चोरी पाकिस्तान से किया और कहते हैं जी आप बरतानिया के शहरी हैं। वो जो इसहाकदार है, जो इनका मुंशी था कि ये सबसे बड़ा मनी लॉन्डरर है, मैं नैब से पूछता हूं आपने क्यों इसको बाहर जाने दिया। कामा ख्वाजा आसिफ क्या कहता है कि मियां साहब फिक्र ना करो, लोग भूल जाएंगे, पैनामा को भूल जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ये तुम्हारे बैप का पैसा चोरी हुआ था जो लोग भूल जाएंगे, और डीजल की कीमत भी नीचे लेके आएंगे, पेट्रोल के ऊपर 35% टैक्स और डीजल यानी के
फजल रहमान के ऊपर 50% टैक्स। इस मुल्क में जो सैलाब आ रहा है ये सबको बहा के लेके जाएगा, ये सारे डाकुओं को बहाएगा। अब आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम ये नवाज शरीफ, साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड आज शाहाना अंदाज में एहतसाब अदालत में पेशी के लिए आए। काफिले में एक दो नहीं बल्कि पूरी 26 गाड़ियां शामिल थी। इक्तदार गया लेकिन शाहाना ठाट बाट बरकरार। साबिक वजीर आजम की अदालती पेशी भी शाही काफिले से कम न थी। पंजाब हाउस से एक के बाद एक लग्जरी गाड़ी बरामद होती चली।